बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा के बाद दूसरे चरण के मतदान में भी भारी बवाल हो गया। इस बार टीएमसी समर्थकों ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को ही घेर लिया और मारपीट करने की कोशिश की। और ये हंगामा बालूरघाट के मतदान केंद्र नंबर 100 पर हुआ। बताया गया कि बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही सुकांता मजूमदार मौके पर पहुंचे, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने उन्हें ही चारों तरफ से घेर लिया। पहले तो दोनों तरफ से तीखी बहस होती रही, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया। इस दौरान कई टीएमसी कार्यकर्ता तो हाथापाई पर उतारू हो गए और सुकांता मजूमदार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हाथापाई शुरू होती उससे पहले ही सुकांता मजूमदार की सुरक्षा में लगे जवानों ने एक घेरा बनाया और सुकांता मजूमदार को टाइट सिक्योरिटी दी। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी टीएमसी समर्थक हाथापाई पर उतारू दिखे और इसी बीच सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जिसके बाद सुकांता मजूमदार ने आला अधिकारियों को फोन कर दिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की। हेलो विजय जी, बूथ नंबर 100 सेंट्रल फोर्स क्यूआरटी टीम भेजिए। यहाँ पे 100 मीटर के अंदर कम से कम 50 टीएमसी सपोर्टर है, 60 टीएमसी सपोर्टर पुलिस के साथ खड़ी हुई है। आप क्यूआरटी टीम भेजिए, तपन असेंबली पतिराम 100 नंबर बूथ पुलिस के साथ खड़ी हुई, मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको। सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि टीएमसी समर्थक बूथ कैप्चर करने के इरादे से आए थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया और उन्हें अपशब्द भी कहे। अपने सामने हमार महिला के सेक्स वर्कर बोले, अपना देखें ये जन बाहरी लोग का सेक्स वर्कर लगी जामार महिला के सेक्स वर्कर बोले। इसके बाद जब सुकांता मजूमदार मतदान केंद्र के अंदर जाने के लिए बढ़े तो बंगाल पुलिस के जवानों ने उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोक दिया, जिसके बाद सुकांता मजूमदार का पारा बढ़ गया और उन्होंने पुलिस के अधिकारी को ही धमकी दे दी। वहीं भारी बवाल के बीच बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी सामने आए, जिन्होंने टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वोट डालने पहुंचे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने जो दावे किए वो बेहद हैरान करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की। तृणमूलर किस नेता से अभिजीत पाल फिल्म जेटा के वाला क्या नाम से हमको मूलत ट्रेन हिस्से नहीं जाए एवं तरह संगे सुमन बोले एक ऐसे तृणमूल तारा सबा मिले हमको बेस कैक जन मिले अंधकार मध्य घर मध्य नहीं गए दरजा बंद कर हमको मारते। इसके अलावा सुकांता मजूमदार ने भी टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी नेता ज्योतिष वर्मन की पिटाई करने का आरोप लगाया। यहाँ पे हमारे बूथ के जो एजेंट ज्योतिष वर्मन उनके साथ मारपीट किया इन लोगों ने, उसका कसूर यही टीएमसी के गुंडे हैं सारे टीएमसी के गुंडे, 6 टीएमसी गुंडे हैं सारे शेख शाहजहान के औलाद है सारे। काफी देर तक ये गहमा गहमी चलती रही, लेकिन इसी बीच टीएमसी समर्थक फिर उग्र हो गए और वो गो बैक के नारे लगाने लगे, जिससे माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। बंगाल में हमेशा से ही चुनाव रक्त रंजित इतिहास से बना रहा है, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। जब जब चुनाव आते हैं बंगाल में हिंसा देखने को मिलती है। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले पूर्वी मिदनापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई। यहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता का फंदे से लटकता शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान दीन बंधु के तौर पर हुई और वो मोयना गांव का रहने वाला था। ये है पूर्वी मिदनापुर का मोयना का गोरा महल गाँव। यही से कल रात 18 साल की दीनबंधु मिद्दा का शव बरामद हुआ और इसके बाद से इलाके में एक राजनीतिक तनाव का माहौल पैदा हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ पर हैं, ये गांव का ये जो खेती जहाँ पे होती है और यहाँ पर पान की खेती होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहीं पे उनका लगभग लटका हुआ एक शव मिला। परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप परिवार वालों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया।
টিএমসি লোক আপনারা কোন দল করেন বিজেপি করে वहीं इस मामले में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के किरदार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या में बंगाल की सरकार का हाथ है। इसका पहले भी बहुत हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पुलिस का इंटेलिजेंस से ये सब हो रहा है। बीजेपी का पंचायत का जो मुखिया है सुशांत मिद्दा, उनका भतीजा को उठा लेकर पहले किडनैप किया, उसका बाद उसको मार के छुला दिया। हाँ, उसका पुलिस कैंप नजदीक है, मिसिंग डायरी भी हुआ था 24 आवर्स पहले, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। और संदेश खाली केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पश्चिम बंगाल सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपील की है। हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश। 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब पश्चिम बंगाल पहुंची, सरकार पहुंची। वहीं दूसरे चरण के मतदान के बीच जांच एजेंसी सीबीआई ने तृणमूल पंचायत सदस्य हाफिजुल खान के रिश्तेदार के घर पर छापा मारा। 10 सदस्यीय टीम छापेमारी करने पहुंची तो उन्हें वहां बड़ी सफलता हाथ लगी। और सीबीआई को तृणमूल पंचायत सदस्य हाफिजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब मुल्ला के घर से बड़ी संख्या में हथियार मिले। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली के मलिकपाड़ा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान विदेशी पिस्टल बरामद हुई। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार और बम भी मिले। बरामद किए गए हथियारों का विदेश से स्मगलिंग होने का शक जताया जा रहा है। इस मामले में 3 लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस 3 लोगों को हथियारों की तस्करी से जुड़े मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कई संदिग्ध लोग सीबीआई के रडार पर हैं। অর্থাৎ এখানে যে সমস্ত বাসিন্দারা রয়েছেন তারা বলছেন যে আবু তালেব মোল্লা কোনো রাজনৈতিক দল করেন না, তিনি স্থানীয় একজন মানুষ খেটে খান, এমনটাই তাদের দাবি। তবে কেউ কথা বলতে চাইলেও কেউ আবার কথা বলতে চাইছেন না। যদি স্থানীয় একজন সাধারণ মানুষ হন তাহলে তার বাড়িতে এত আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে উদ্ধার হলো, এই প্রশ্নটাই কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসছে সিবিআই আধিকারিকদের অন্দরেও। সিবিআই কো শক হ্যায় কি মৌকে সে অর ভি হাথিয়ার অর বম মিল সকতে হ্যায়, इसलिए बम ढूंढने के लिए एक खास तरह के स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का बम निरोधक दस्ता संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंच गया है, जो रोबोट के जरिए इलाके की छानबीन कर रहा है। दरअसल आज सुबह सीबीआई की टीम ने टीएमसी पंचायत सदस्य हाफिजुल खान के रिश्तेदार के ठिकाने से विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया था, जिसमें बम मिलने की भी सूचना थी और इसके तुरंत बाद एनएसजी कमांडो मौके पर भेजे गए। बम होने की आशंका को देखते हुए एनएसजी कमांडो की टीम ने विस्फोटक का पता लगाने और उन्हें डिफ्यूज करने के लिए अत्याधुनिक रोबोट को मौके पर लगाया, जो मकान के अंदर पहुंचकर छानबीन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। वहीं चुनाव के बीच इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलने से बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने भी हथियार की बरामदगी को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। 5 जनवरी को ईडी की टीम ने जब शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था तो उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। उस मामले को लेकर सीबीआई ने एक अलग से एफआईआर दर्ज की थी और उसकी तफ्तीश के लिए ही सीबीआई संदेश खाली पहुंची और उस हमले से जुड़े जो आरोपी थे उनके ठिकानों पर रेड की। सीबीआई की टीम ने पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में जब शाहजहां शेख के करीबियों के यहां छापा मारा तो बड़ी संख्या में हथियार और बम मिले। सीबीआई अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये हथियार कहां से आए और इन हथियारों के जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जानी थी। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली पहुंची एनएसजी टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सीबीआई रेड में आज हथियार मिले हैं और उसके बाद ही एनएसजी कमांडोज को वहां पर भेजा गया और क्योंकि बम भी बरामद हुए हैं इसलिए पूरे इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से घेर लिया गया है। संदेश खाली में एनएसजी की टीम का बड़ा एक्शन। और वहीं दूसरे चरण के मतदान और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने मालदा में चुनावी रैली को संबोधित किया और अगले जन्म में बंगाल में पैदा होने की इच्छा भी जताई, क्योंकि मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ी। हजारों लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्साहित दिखे, इसलिए पीएम मोदी भी लोगों के जोश को देखकर उत्साहित हो गए।
आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किस माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है, इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी के लिहाज से मुर्शिदाबाद के बाद मालदा दूसरे नंबर पर है और यहां मुस्लिम आबादी करीब 57% है, इसलिए पीएम मोदी यहां हिंदुओं को एकजुट करते दिखे। मेरा अनुरोध है यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले मुस्लिम मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र के बाद बीजेपी ने अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो दलित पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों को दे देगी। और पिछले 4 से 5 दिनों से बीजेपी ने चुनावी रैलियों में ऐसा मुद्दा उठाया है जिसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को कांग्रेस साल 2004 से 2014 तक रही यूपीए की सरकार में बदलना चाहती थी और अभी भी उसकी मंशा यही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड प्रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है देश के अल्पसंख्यक वाद की कोई जगह नहीं, मतलब उन्होंने एससी एसटी ओबीसी से सख्त नफरत है। क्योंकि देश में 52% ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? और इसीलिए इन वर्गों के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने का ये मुद्दा चुनावों में बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि कुल मिलाकर यह आबादी 77% के करीब हो जाती है, इसलिए बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में जुटी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैलियों में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरा। इंडी गठबंधन वाले यादव हो, मंडल हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, निषाद हो, ऐसी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनको जो आरक्षण मिला है अब वो उसमें से डाका डालेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में स्टार कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ शामिल है, जिसमें मथुरा सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस से मुकेश धनघर हैं। वोट डालने के बाद हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा की जनता से उन्हें काफी प्यार मिला है। मैं यहीं के हूं, मैं कोई बाहर की नहीं हूं। आई एम हियर फॉर द लास्ट 10 इयर्स, तो मैं अपना ही है, अपने लोग सब मेरे हैं, अपने हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए इतना सेवा किया, ये कोई ये नहीं देखा कि ये कौन सा दल का है, सबके लिए किया मैंने। वहीं मेरठ सीट से रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मैदान में हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा हैं, जिन्हें अपनी जीत का 100% भरोसा है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका, ये जानने के बाद कि मैं चुनाव में यहाँ आया हूँ, चुनाव के लिए आया हूँ,
तो वो जो पहले जो स्नेह और आदर था वो मुझे लगता है और उससे कहीं बहुत कई गुना ज्यादा हो गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। यूपीएसटीएफ ने महादेव गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले दो आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में एक इंडिया हेड अभय सिंह है तो वहीं दूसरा आरोपी संजीव सिंह है। दोनों आरोपी गेमिंग ऐप के जरिए आईपीएल मैचेस में सट्टा लगवा रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत में फर्जी सिम खरीदने का जिम्मा दुबई में बैठे अभिषेक ने अभय सिंह को दिया और इसके बदले उसे 25,000 रुपए प्रति माह और प्रति सिम 500 रुपए देने का वादा भी किया, जिसके बाद आरोपियों ने 32 फर्जी कंपनियों के नाम पर 4,000 सिम खरीदे और उन्हें दुबई भेजा और दुबई में बैठे लोगों ने इन नंबर्स का इस्तेमाल किया व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, कई ग्रुप बनाए और गेमिंग के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। साथ ही ठगी की इन कंपनियों में काम करने के लिए करीब 12,000 कर्मचारी भी भारत से दुबई भेजे गए, जो गेमिंग ऐप के बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम अकाउंट और अन्य सर्विस देखते हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ग्रुप बनाकर ऑनलाइन क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, चुनाव, कसीनो, तीन पत्ती, कैरम खिलाकर ठगी करते हैं। आपको दूसरे चरण के कुछ और बड़े उम्मीदवारों की तस्वीर दिखा देते हैं जिन्होंने अपना वोट दिया। इसमें शामिल है नवनीत राणा, शशि थरूर, जितेंद्र सिंह, महेश शर्मा, तेजस्वी सूर्या और कुमार स्वामी। आज इन दिग्गज नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। साथ ही जांच में शामिल हुई एनआईए की टीम ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ भी की है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाले दोनों मुख्य आरोपी सागरपाल और विक्की गुप्ता से एनआईए की टीम ने 3 घंटों तक पूछताछ की। दोनों आरोपी 29 अप्रैल तक मुंबई क्राइम ब्रांच के रिमांड में है। सलमान खान के निवास स्थान गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी कांड में अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ एनआईए की भी एंट्री हो चली है। दरअसल जी न्यूज सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने दो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हैं, यानी कि वो आरोपी जिन्होंने गोलीबारी को अंजाम दिया था उनसे करीबन 3 घंटे पूछताछ की। वहीं इस मामले से जुड़े दो और आरोपियों सोनू चंदर और अनुज थापन को पंजाब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर फायरिंग के लिए सागरपाल और विक्की गुप्ता को हथियार देने का आरोप है। इस मामले में लॉरेंस गैंग पर फायरिंग कराने का शक है। सरकारी अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला नटवर लाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। झारखंड की राजधानी रांची से पुलिस ने दीपक श्रीवास्तव नाम के एक महाठग को गिरफ्तार किया है, जिस पर 150 से ज्यादा लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक खुद को कभी कृषि विभाग का अफसर बताकर तो कभी किसी दूसरे सरकारी विभाग का बड़ा अफसर बताकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था और फिर उनसे रुपए ऐंठ कर फरार हो जाता था। डीएसपी सिटी टेक्निकल सेल की टीम, हमारे जिले का अन्य पदाधिकारी मिशन मोड में लगे और तब जाके इस आदमी की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अलग अलग जिलों में अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और उनसे करोड़ों रुपए ठग चुका है। उन लोगों ने से इंट्रोगेशन किया तो लग रहा है कि ये आदमी उन्हें ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ की ठगी को कर ही चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर ठग के पास से करीब 2.25 लाख रुपए नगद, ब्लैंक चेक और कई अधिकारियों के फर्जी स्टैंप बरामद किए गए। आरोपी दीपक श्रीवास्तव बिहार के आरा का रहने वाला है और उसके पिता हजारीबाग के वन क्षेत्र के पदाधिकारी थे। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर उसने वन विभाग में काम भी किया, लेकिन ठगी करने की उसकी आदतों की वजह से उसे निलंबित कर दिया गया। वन विभाग से निलंबित होने के बाद आरोपी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें रांची के कांके गोचर के रहने वाले एक वकील का भी नाम शामिल है। आरोपी दीपक ने वकील से 12 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले में उसे 5 साल की सजा भी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी फिर सक्रिय हो गया और कई लोगों को अपने झांसे में ले लिया। किसी को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर तो किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगा। आरोपी के खिलाफ रांची, कोडरमा, धनबाद समेत झारखंड के कई शहरों में मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ठगी किए हुए पैसों को कोलकाता में निवेश भी किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान की तारीख बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी समेत कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें खराब मौसम का हवाला देकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है। चिट्ठी में जिक्र है कि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं।
कश्मीर घाटी से अनंतनाग से रजौरी पुंछ आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर नाराजगी जताई। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं। चिट्ठी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा। राजस्थान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7 दिन पहले ही आ गई। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को 7 दिन पहले ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में आ गई। अचानक सैलरी आने से कर्मचारी भी हैरान रह गए। इसके लिए वेतन भुगतान करने वाले सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी को वजह बताया जा रहा है। ये खामी वित्त विभाग में लागू किए गए IFMS 3.0 सिस्टम में आई, जिसकी वजह से 25 करोड़ से अधिक की राशि कर्मचारियों के खाते में पहुंच गई। बताया गया कि सिस्टम से भुगतान को लेकर पहले भी कई खामियां हुई हैं। आमतौर पर सैलरी बिल 24 तारीख को प्रोसेस होकर ट्रेजरी में पहुंचते हैं और ट्रेजरी से बिल पास होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से सैलरी खाते में जाती है। ये सैलरी अगले महीने की 1 तारीख या उसके बाद खाते में जाती है, लेकिन इस बार ये सभी प्रक्रिया एक साथ हो गई, जिससे 24 तारीख को ही सैलरी कर्मचारियों के खाते में चली गई। हालांकि कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन हाँ, ये तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मई में चीन का दौरा करेंगे। पुतिन अपना अगला कार्यकाल 7 मई को शुरू करने वाले हैं और इस कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी, जिसमें सबसे पहले वो चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 71 साल के पुतिन ने रूस में अपने 24 साल के शासन को आगे बढ़ाते हुए 5वां कार्यकाल हासिल किया है, जिसमें वो अपनी नई पारी की शुरुआत 7 मई को करेंगे और इसके बाद वो चीन की यात्रा पर जाएंगे। मॉस्को में हुए उद्योगपतियों के एक सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति ने खुद ही इस बात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध की वजह से रूस पर आर्थिक संकट बढ़ रहा है, साथ ही रूस को कूटनीतिक अलगाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति ये कदम उठाने जा रहे हैं, जिसमें वो चीन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों को बढ़ाने पर जोर देंगे। उधर चीन भी यूक्रेन युद्ध के समय से ही रूस के साथ है। चीन ने इस जंग के लिए ना तो रूस को जिम्मेदार ठहराया और ना ही उसका विरोध किया, उल्टा नेटो और अमेरिका पर रूस को जंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। NIA की टीम को पिछले साल लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले के मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। NIA की टीम ने हमले के आरोपी खालिस्तान समर्थक इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 22 मार्च 2023 को लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। ये विरोध प्रदर्शन बारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने किया था, जिसमें भारतीय हाई कमीशन में लगा तिरंगा उतार दिया गया था। NIA ने बयान जारी कर बताया कि 19 और 22 मार्च 2023 को लंदन में हुई घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा थीं, जिसमें भारतीय मिशन और उसके अधिकारियों पर हमला किया गया। इस हमले के आरोप में ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा को गिरफ्तार किया गया, जिस पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है। इससे पहले तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी समर्थक अवतार सिंह खंडा को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया था। खंडा प्रतिबंधित ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ कल उस वक्त शुरू हुई थी जब सोपोर इलाके के नौपारा गांव में आतंकियों की जानकारी मिलने के बाद सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इलाके में अभी एक आतंकी और हो सकता है, जिसकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली कराया गया है।
ये वो इलाका है जहाँ पे जो इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे मिलडंडो की मौजूदगी है, उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पे कॉर्डन में लिया, तो जिसके बाद यहाँ पे अभी तक अगर बात करें दो मिलडंडो यहाँ पे मारे जा चुके हैं जो लश्कर के टॉप कमांडर के तौर पर उनकी जो शिनाख्त अगर अभी जाहिर नहीं हुई। लेकिन पिछले तीन दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की ये दूसरी घटना है। इससे पहले बांदीपोरा के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए थे। Z News.